चर्चा कर रहे थे दैथिन की, तो दैथिन इस प्रकार विभाजित किया गया है। अर्जुन का प्रश्न बनता था, कर्ण ने देखा था, दूसरे दूसरा अध्याय और तीसरे अध्याय का बीच का संबंध क्या है। तो पहले दो श्लोक में अर्जुन प्रश्न पूछता है, कौन से क्या अच्छा है, बुद्धि बुद्धि योग या कर्म योग। तो अर्जुन का एक प्रश्न बना था कृष्ण के ये श्लोक बोलने से, दुर्योधन दो सरना अनुच्छेद वहां से प्रश्न बना था। फिर भगवान ने तो ये अध्याय ऐसे चार भाग में विभाजित किया, तीन भाग में विभाजित किया है। 3 से 16 में बताया गया है ज्ञान योग अर्जुन के लिए मुश्किल है, इसलिए वो निष्काम कर्म योग करे जो उसके लिए अच्छा है। उस सेक्शन में भगवान शुरुआत में तो बता ही दिया कि कर्म किसके लिए करना चाहिए, क्या अर्थ कर्म होना चाहिए, वो कोयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कांते तो समझ समझ। भगवान इसमें तो प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए, नहीं तो वो हमारे लिए बंधन का रूप बन जाएगा, मतलब कर्म बंधन लग सकता है। ठीक है, तो ये पहले तो डायरेक्ट निष्काम कर्म योग बताया, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे भगवान बताते हैं, बोलते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्मा साक्षात्कार होते हैं, कुछ सिर्फ ज्ञान और द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। फिर बताए ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, मतलब कभी कभी हमें लगता है कि हम कर्म नहीं करेंगे तो हमें कर्मफल नहीं लगेगा, ऐसा नहीं। जैसे सरहद पर अगर कोई सैनिक को बोला जाता है बंदूक चलाओ और सैनिक बंदूक नहीं चलाता, बोलता है मैं कर्म नहीं करूंगा तो मुझे पाप ही नहीं लगेगा, ऐसा नहीं, उसको उसमें पाप लगेगा, उसको सजा मिले। और वही व्यक्ति जब देश में आते हैं, अपने घर सोसाइटी में आता है और बिना कमांड बिना हाई कमांड के ऑर्डर हो किसी को मार देता है, उसको उसको पाप लगता है, उसको सजा मिलती है। तब ना तो कर्म से विमुख होकर हमें कोई कर्म फल से छुटकारा मिल सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, संन्यास लेने से भी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। क्यों बोल रहे हैं नहीं कश्चित, तो बोलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। कभी कभी मतलब विवश होकर हमें करना पड़ता है, विवश होकर कुछ हम नहीं करना चाहते फिर भी कर बैठते हैं, तो अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ उसको करना ही पड़ता। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि हम कर्म इंद्रियों को वश में कर लेंगे, कार्य नहीं करेंगे, सारी इंद्रियों को कर्मों को रोक लेंगे, लेकिन उसका मन क्या करते हैं, इंद्रिय विषयों का हमेशा चिंतन करता रहता है। तो वह निश्चित रूप से क्या है, स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि जो, लेकिन दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रिय को वश में करने का प्रयत्न करता है पर बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है, कृष्ण भावना कर्मयोगम असक्त सविशेष्यते। यहाँ पे पहले तो भगवान ने सीधा कर्मयोग बोल दिया, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है तो बहुत ही उत्कृष्ट है। यहाँ पर ये बोल दिया भगवान ने, ओके होप तो भी दिख रहा हूँ। तो सीधा भगवान ने कर्म योग बोला, इसलिए बोला नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म, तो अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा फल
कर्म करना से, क्योंकि हम बिना कर्म रह ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अच्छा है हमारा जो स्वभाव, हमारे जो गुण और कर्मों से, गुण के आधारित पर हम कोई कर्म करें, तो पर्टिकुलर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी वानप्रस्थ गृहस्थ और सन्यासी के हिसाब से हमारा कर्तव्य करते रहे, कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की उपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता, लेकिन जब कर्म करेंगे तो कर्म बंधन हमें लग सकता है। कर्म करेंगे तो हमें कर्म बंधन लग सकता है, फिर कौन सा कर्म करना चाहिए? कर्म करेंगे तो कर्म बंधन तो लग ही सकता है, इसलिए तो अर्जुन प्रश्न किया था कि दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योग धनंजय। एक तरफ अगर कर्म बुद्धि बुद्धि कर्म करने से बुद्धि श्रेष्ठ है, मुझे कर्म करने के लिए क्यों बोल रहे, वही तो प्रश्न था। और यहाँ पे भगवान वापस बोल दिए कि अपना नियत कर्म करो, कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है, अपना नियत कर्म करना श्रेष्ठ है। तो फिर कौन सा कर्म करेंगे? तो आप कर्म बंधन में फंस जाओगे, इसलिए भगवान उनको बोले कि अर्थात कर्म नेत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन, तो ये मुक्त संघ समाचार। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन। अगर हम कोई भी कर्म भगवान विष्णु के लिए नहीं करते हैं तो कर्म बंधन उत्पन्न होता है। इसे बोले बोले अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, मतलब अपना नियत कर्म मतलब अपने स्वभाव के हिसाब से कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त हो जाओ, मुक्त रहोगे। यहाँ पे बोला है ठीक है, ये बात है। तो हमने यहाँ तक कल चर्चा की थी, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं यही अध्याय का 10वें श्लोक से। तो वहां पे भगवान बता रहे हैं प्रजा सुष्वा पुरोवाचो प्रजापति अनेन प्रसविष्य त्वम, ऐसा वो अष्ट इष्ट कामित का तो वहां पे बता रहे हैं। इस सृष्टि के प्रारंभ में ही समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ से मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा तुम इस यज्ञ से सुखी रहो। तो सृष्टि के प्रारंभ से समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति मतलब विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उन्हें कहा तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, इसे करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने से तो समस्त वांछित वस्तुओं प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर बेसिकली अभी तक भगवान ने सीधा यहाँ तक निष्काम कर्मयोग की बात की थी, और यहाँ पर अभी कर्मकांड वाला सेक्शन आता है। ठीक है, बता क्या बोले, समस्त वांछित वस्तु प्राप्त हो सके, मतलब आप यज्ञ करो वांछित वस्तु प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर सीधा सीधा क्लियरली लिखे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर चैप्टर 3 में जाओगे, वही श्लोक में इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन द लॉर्ड ऑफ ऑल क्रिएचर सेंट फॉर द जनरेशन ऑफ मैन एंड डेमिगॉड्स। क्या हुआ यहाँ पर जो लास्ट लाइन पढ़े, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तु प्राप्त
हो सके। तो यहाँ पे सुख पूर्वक रहना और वांछित वस्तु प्राप्त करना, मतलब तो इंद्रिय तृप्ति के लिए भी आपको जो जो चीज जरूरी है वो मिल जाए। बेसिकली यहाँ पे क्या हो? तो आगे के श्लोक में बोलते हैं कैसे, तो बोलते हैं देवान भव्यता नेना ते देवान भव्यंतु वह परस्परम भव्यंतः श्रेय प्रमोवाप्यस्तः। तो यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को प्रसन्नता प्राप्त होगी। यहाँ पे बेसिकली देवताओं को प्रसन्न करने की बात की है। यहाँ पे भगवान ने ये नहीं बोला कि आप विष्णु को प्रसन्न करो, देवताओं को प्रसन्न करने की बात। तो देवताओं को आप क्या करेंगे, तो देवता को प्रसन्न करना मतलब आपकी जो वांछित कामना है उसको तुरंत पूर्ण करते। सिप्रमी मानु से लोके सिद्धिर भवति कर्म कर, चौथे अध्याय के 12वें श्लोक में आएगा। कांक्षता कर्मणाम सिद्धि यजन्ति हि देवता सिप्रमी मानु से लोके सिद्धिर भवति कर्म कर, जो वांछित कांक्षति कर्मणाम सिद्धि, जो अच्छे अच्छी वांछाओं को पूर्ण करना चाहते थे वो क्या करते हैं, यजन्ति हि देवता देवताओं की पूजा करते हैं। और वो क्या करते हैं, जैसे देवताओं की पूजा करोगे तो सिप्रमी मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्म जा, तुरंत ही सिप्रम तुरंत ही मनुष्य की इच्छा पूर्ण करेंगे सिद्धिर भवति कर्म जा। इसीलिए 10 और 11वां श्लोक आप देखेंगे सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों को, तो अभी भगवान ने ये क्यों बोला कि स्वामी स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं संततियों को रचा और उन्हें कहा तुम इस यज्ञ से सुखी रहो क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तु प्राप्त हो सके। तो जैसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनको निष्काम कर्मयोग नहीं करना है, कर्मयोग नहीं करना है, निष्काम कर्म, तो आज हम वही चर्चा करने जा रहे हैं यहाँ पर कि निष्काम कर्मयोग नहीं करना चाहते। पहले होता है पशु जीवन, बहुत सारे लोग पशु योनि में होते हैं, बहुत जीवात्मा, और पशु जीवात्मा के बाद मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी वो पशु की तरह जीवन जीते हैं, मतलब आहार निद्रा भय मैथुन यही लगे रहते हैं। तो जो लोग आहार निद्रा भय मैथुन में लगे हैं वो क्या तो विधि पूर्वक करते हैं, अविधि पूर्वक करते हैं। विधि पूर्वक मतलब वेदों में वर्णित जो पद्धति उसके हिसाब से काम वासना पूरी करते हैं, या तो वेदों के विपरीत वेदों के सिद्धांतों के विपरीत काम वासना पूर्ण करने की चेष्टा करते हैं, तो उसको पशु जीवन में कहा। तो वेदों के विपरीत अपनी काम वासना पूर्ण करने की चेष्टा रखते हैं उनको पशु जीवन, मनुष्य योनि में रहकर भी पशु जीवन जी रहे जीने वाले कहलाते। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति करता है लेकिन वेदों में वर्णित सिद्धांतों के आधार पर करता है उसको कर्मकांड कहा जाता है। वेदों में वर्णित देवताओं को प्रसन्न करके अपने क्या बोलते हैं इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं तो वो कर्मकांड कहलाता है। कोई व्यक्ति होता है क्या करता है, भगवान विष्णु के लिए कर्म करता है लेकिन भगवान विष्णु के लिए कर्म करने के बाद कोई फल की भी आशा रखता है तो उसको सकाम कर्मयोग, सकाम कर्मयोग। कर्म तो करता है भगवान के साथ जोड़ देता है, कुछ हिस्सा भगवान को देता है कुछ हिस्सा वो लेता है, तो उसको सकाम कर्मयोगी कहलाता है। एंड ऑफ द डे तो कर्मकांडी से कर्मयोगी बेहतर है। कर्मकांडी क्या है, सब कुछ अपने लिए करेगा, देवताओं को प्रसन्न करके देवताओं को थोड़ा हिस्सा दे देगा, पर उसका हिस्सा देने का भी मतलब क्या होगा कि मुझे ज्यादा मिले। कर्मकांड के बाद आता है सकाम कर्मयोग। सकाम कर्मयोग से बेहतर होता है निष्काम कर्मयोग, जिसमें आप कोई फल की इच्छा ही नहीं रखते। और जब व्यक्ति कोई निष्काम कर्म योग पर होता है तो जितना उसका निष्काम भावना है उसके हिसाब से उसको ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान प्राप्त होता है तो बेसिकली वो ज्ञान योग पे पहुंच जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये योगा लेटर है यहाँ पर, तो अलग अलग ये इसको योग श्री में विस्तृत योग श्री बताई गई है यहाँ पर। तो जो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे तो कुछ लोग ऐसे इस प्रकार के लोग होते हैं जो पशु की तरह जीवन नहीं जीते
लेकिन उनको इंद्रिय तृप्ति करने हैं और वो वेदों के सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो जो लोग पशु पशु जैसा जीवन जी के इंद्रिय तृप्ति करते हैं उनकी मुक्ति का तो कोई उपाय नहीं। लेकिन भगवान ने कुछ बोला कि अरे कुछ लोग तो है जो क्या बोलते हैं वेदों के सिद्धांतों को फॉलो करके करेंगे तो उनको मुक्ति के लिए मार्ग रहता है। तो वही भगवान यहाँ पर बताया है क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त होगी। तो वेदों का चार पुरुषार्थ बताया गया है, तो आपको याद होगा कौन सा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। काम मतलब इंद्रिय तृप्ति, फिर एक धन उपार्जन करते हैं, अर्थ फिर काम धर्म और काम अर्थ और धर्म। धर्म मतलब यहाँ पे उस सेंस में ज्यादातर लेते हैं कि भाई लोगों को हेल्प करना, उस सेंस नॉट अबाउट वर्शिपिंग लॉर्ड विष्णु और एनी। और मोक्ष मतलब बीइंग लिबरेटेड, और वो मोक्ष भी ज्यादातर लोग सहज मुक्ति की बात करते हैं और पांच प्रकार की मुक्ति होती है वो तो आप जानते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कर्मकांड की बात की गई है भगवान ने। तो अगले श्लोक में आप देखोगे तो यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त। यहाँ पर इस तरह से बताया। तो अगले श्लोक में बता रहे हैं इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ति यज्ञ भाविता तेर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। जीवन की विभिन्न आवश्यकता को पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरी करेंगे, पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर कहलाता है। मतलब यज्ञ करते हैं लेकिन हम देवों को हिस्सा नहीं देते, तो क्या होता है वो चोरी कहलाते। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है और उसका बिल नहीं भरपाई करेंगे हम, कभी कभी डायरेक्ट लाइन डाल देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की चोरी कहलाती है। ठीक है, तो हम गाँव में देखा है लोग कैसे डायरेक्ट लाइन डालकर पूरी इलेक्ट्रिसिटी की चोरी करते हैं और पूरा लोड पड़ जाता है तो बंद हो जाता है। चोरी करते हैं तो कभी पकड़े भी जाते हैं, ठीक है, तो लोगों को चोर कहलाता है, वह निश्चित रूप से चोर है। इसीलिए अगर हमें कुछ मिलता है तो देवों को भी अर्पित करना चाहिए। कर्मकांड सेक्शन की बात है, कर्मयोग की बात की। यहाँ पर भगवान ने बेसिकली कर्मकांड सेक्शन की बात की अर्जुन को। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको निष्काम कर्मयोग नहीं करना है, अपनी इंद्र तृप्ति में रुचि है, बोले इंद्र तृप्ति भी करो लेकिन वैदिक सिद्धांतों के हिसाब से करो, बेसिकली ये चीज बता रहे हैं। बट सबसे श्रेष्ठ है कर्मकांड से श्रेष्ठ है कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग। तो फिर अगले श्लोक में बता दे कि अशिष्ट सिना संतो मुच्यन्ते सर्वकल्पिसे पूज्यन्ते तम अगम पापम ये पंचन्ति आत्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकारों के पाप से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो लेकिन वो बोले वो कर्मकांड से बेहतर है। भगवान के भक्त वो तो सिर्फ प्रसाद ग्रहण करते हैं, पहले भगवान को ऑफर करते हैं, भगवान ग्रेटिट्यूड के रूप में बताते हैं कि भाई आप हम डायरेक्ट नहीं ले रहे आपका प्रसाद है, हम तो आपको अर्पित कर रहे हैं और आपने जो छोड़ा वो हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। तो लेकिन इसलिए भगवान के भक्त क्या करते हैं सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो वही बता रहे यज्ञ शिष्ट सिन्हा सिंधु मुचयते सर्वकृति से भुंजनते तम अगम पापम ये पंचनते आत्मकार। तो भगवान के सभी भक्त भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो कैसे यज्ञ कैसे होता है तो अगले श्लोक में बताया अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्य अन्न संभव यज्ञ भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होते हैं और वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो यज्ञ से प्राणी का
ये मनुष्य का जीवन यज्ञ पर कैसे आधारित है, तो उसका भगवान यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं। सारे प्राणी अन्न खाते हैं, और अन्न कैसे उत्पन्न होते हैं, वर्षा से उत्पन्न होते हैं, और वर्षा कैसे आएगी, यज्ञ से आएगी। यज्ञ कैसे होते हैं, कैसे होता है, नियत कर्म करने से। नियत कर्म मतलब यहाँ पे अगेन वो क्या बोलते हैं, वर्णाश्रम धर्म की बात की गई है। यहाँ पर देखेंगे, तात्पर्य में पढ़ेंगे तो नियत कर्म क्या है, बेसिकली यज्ञ क्या है, कलयुग में कलयुग का यज्ञ है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, वही कलयुग का यज्ञ है। तो हम उसका तात्पर्य पढ़ेंगे, ठीक है। तो भगवद गीता के महान टीकाकार श्री बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं, परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी है, और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह देवता उनकी सेवा करते हैं। देवता उनके शरीर के अलग अलग हिस्से उनका भगवान की सेवा करते हैं। इंद्र चंद्र वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी है, जो सांसारिक कार्य को देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए योगों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु प्रकाश तथा जल प्रदान करते हैं। जब यज्ञ करते हैं तो मतलब देवों को भी हिस्सा मिलता है। यज्ञ का मेन पर्पस है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, लेकिन जब भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं तो दूसरे देव भी अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो अनेक अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है, अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। हेतु श्री कृष्ण भावना पवित्र भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करता है और तब खाता है। ऐसी विधि है जिससे शरीर का अधिकार होता है। जब हमने भगवान को यज्ञ भाग दे दिया, सारे देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा करने से केवल शरीर का विगत पापमय कर्म फल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कर्मों से भी निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है, कोविड था। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन में भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है, और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया भोजन करता है, वह समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग बाधक बन जाता है। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता है, वह अपने पाप पूर्ण कर्मों को बढ़ाता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर उपकरों सुकरों में समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कर्मों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है, वह उनके आक्रमण से बच जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता है वह कलमश का लक्ष्य बनता है। अन्न अथवा साग वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न साग फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के अचिष्ट को खाते उच्चिष्ट खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के असभ्य है, उन्हें साग के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु साग ही खाते हैं। अतः हमें अंतोगत व खेतों का उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रिया के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र सूर्य चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं, और भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, अथवा जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा, यही प्रकृति का नियम। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग में समस्त संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए।
एक बार क्या हुआ था, आई थिंक फीजी में कहीं पे तमाल के महाराज थे, तो वहाँ पे बहुत समय से बारिश नहीं हुआ था कुछ सालों से। उन्होंने बोल दिया कि अरे आपकी बारिश इसलिए नहीं हो रही कि आप यज्ञ नहीं कर रहे। तो बोला आप हरे कृष्णा कीर्तन करो, आपको बारिश अपने आप आएगी। तो उन्होंने चैलेंज कर दिया, तो डिवोटी लोग चलो बारिश कर, ऐसा नहीं, हरी नाम संकीर्तन करते हैं सब लोग। डिवोटी लोग भी नहीं थे, बाहर वाले भी थे, वहां जाके हरी नाम कीर्तन किया। 1 घंटा 2 घंटा बारिश नहीं हो रहे, तमाल कृष्ण हमारे आकाश में देखने लगे, भगवान को प्रार्थना कर रहे। तो अचानक से इतना बारिश हुआ, इतना बारिश हुआ, बाद में न्यूज़पेपर में लेटर आया था हरे कृष्णा करेंगे। तो बात यही है। तो यज्ञों पर हम कैसे आधारित है? यज्ञ करने से बारिश होता है, बारिश से हमें क्या होता है, बारिश से खेती होती है, और खेती से हमें अन्न प्राप्त होता है। और यज्ञ मतलब भगवान को प्रसन्न करना। लेकिन यज्ञों में देव हमारा अगर उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना है तो वो कर्म कांड में आता है, लेकिन वो भी इनडायरेक्टली भगवान की इनडायरेक्टली भगवान की पूजा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है। तो भगवान बोलते हैं इनडायरेक्ट पूजा करना इस अविधि पूर्वक है, 9वें अध्याय के 300 श्लोक में आता है। तो फिर ये यज्ञ क्यों करना चाहिए? तो यहाँ पर लिखा है कर्मा ब्रह्म उद्भवम प्रीति ब्रह्माक्षरम समुद्भव तस्मात सर्वगतम ब्रह्मा नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। ये यज्ञ कैसे करना चाहिए, क्यों नहीं, कैसे करना चाहिए? तो वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये साक्षात भगवान विष्णु से प्रकट हुआ है। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्मा यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, उसके बारे में, दोनों के बारे में बताया है। कैसे करना चाहिए तो वेदों में वर्णित है, तो कैसे करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए, ये साक्षात भगवान से प्रकट हुआ है। वेद साक्षात भगवान से प्रकट हुआ है, और फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। आप यज्ञ नहीं करेंगे तो क्या होगा? एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयः अगायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सचीवित। तो बोलते हैं हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार के वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसे व्यक्ति केवल इंद्रिय की पुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीव रहता है। बेसिकली अगर हम इंद्रिय तृप्ति करनी है तो वेदों के जो विधान है उसके हिसाब से कर्मकांड मेंशन किया गया है, लेकिन अगर हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं वेदों में वर्णित विधानों के हिसाब से नहीं, तो उससे पाप ही लगता है, वो भी कर्म कहलाता है। जो व्यक्ति यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, कर्म विधि विधान जो वेदों में वर्णित है उसके हिसाब से यज्ञ नहीं करता, वो पापमय जीवन ही व्यतीत करता है। तो ऐसे व्यक्ति केवल इंद्रियों की पुष्टि के लिए ही व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो ये परपोट पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। तो एक्चुअली इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। तो अंग्रेजी में कहावत है, उनसे कहावत है, हाँ वर्क वेरी हार्ड एंड एंजॉय संस्कृत वाला एक कहावत। अतः जो लोग संसार में भोग करना चाहते हैं उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुस्मरण करना परम आवश्यक है। अगर भोग भी करना है, इंद्रिय तृप्ति भी करनी है, तो वेदों में वर्णित विधानों के हिसाब से करना है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है, बहुत पापी जीवन हो जाता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिससे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्र तृप्ति में जुड़े हैं उन्हें पूर्वक यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। ये इसके लिए जो इंद्र तृप्ति में जुड़े हैं मतलब कर्म कांड
गांधी लोगों के लिए उनकी क्यों क्यों करना आवश्यक। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं, मतलब इंद्रिय तृप्ति में होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। अतः यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि इसे उन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं अर्पित परमेश्वर की दुष्ट भूमि योजना पर निर्भर है, इसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। कर्मकांड सेक्शन। अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावना अमृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य कृष्ण भावना भावित हो जाता है। एक्चुअली वो क्या करेगा, सो ही विल एडवांस लाइक दिस, पशु जीवन से कर्मकांड, कर्मकांड से सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, इस प्रकार बाद में ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, उसको भक्ति योग, उसको योगा लीडर कहलाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता तो उसे पूरी आचार संहिता समझना चाहिए। तो मनुष्य को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित न करे, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावना प्राप्त करे। ये जो कर्मकांड सेक्शन भी बताया है वो क्या इनडायरेक्टली जो इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखने वाले लोग हैं उनको भक्ति के स्तर पर लाने के लिए इनडायरेक्टली, क्योंकि इनडायरेक्टली वो कृष्ण की पूजा है यज्ञ मुख्य। लेकिन ये सब करने से वो कृष्ण भावना भावित नहीं होते हैं उसका कोई मतलब नहीं। तो भगवान ने यहाँ पर बताया कि हमने इस प्रकार, पहले तो उन्होंने बताया कि हमें निष्काम कर्मयोग करना चाहिए, अगर वो नहीं कर सकते कुछ तो उनके लिए उन्होंने कर्मकांड का बताया। लेकिन फिर आके उन्होंने बताया यहाँ पे कौन से श्लोक में, भगवान के भक्त सारे पापों से मुक्त रहते हैं, क्योंकि वो सीधा पहले भगवान विष्णु को ऑफर करते हैं फिर वो खाते हैं, भगवान विष्णु को यज्ञों में देते हैं फिर वो ग्रहण करते हैं, तो वो पापों से मुक्त रहते हैं, उनको ये सब कर्म कांडों में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार हमने यहाँ पे देखा कर्म कांड से कैसे कर्मयोग जाने की बात की गई है, और तो यही बताया यदि आप कर्म फल की आशा से मुक्त ना हुए हो, पूरी तरह निष्क्रिय रहने के बजाय आपको फल की आशा करते हुए कर्म करना चाहिए। वो दो तरह से हो सकता है, एक तो देवों के माध्यम से हो सकता है, या तो डायरेक्टली भगवान को अप्रोच करो, दो प्रकार से हो सकता है। फिर ये हमने कर्म कांड ये कौन सा यज्ञ चक्र देखा, किस प्रकार परमेश्वर के उन्होंने निहित कार्य दिया है, फिर यज्ञ करते हैं, फिर बरसाती बादल अन्न आता है और जीवात्मा जीते हैं और भगवान को प्रसन्न करते हैं, तो साइकिल। तो इस प्रकार हम यहाँ पर आज ये सेक्शन समाप्त करते हैं कर्मकांड से कर्मयोग की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।